हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेशन किस हिसाब से इम्पैक्ट डालता है रियल स्टेट पे, किस किन किन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और किन लोगों के लिए ये एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। वैसे आप लोग इस चैनल पे भी एक घंटी लगी हुई सब्सक्राइब बटन के साथ, उसको दबा सकते हैं। आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ रियल स्टेट के बारे में। तो इकोनॉमी ग्रोथ में रियल स्टेट का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर रिसेशन आता है तो वो उसमें प्राइजेस किस टाइप से डाउन जाते हैं, डिमांड कैसी रहती है और जॉब लॉसेस की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं और भी बहुत से पहलुओं पे आज आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों को पता है रिसेशन जब होता है या रिसेशन का डर कहीं पे भी होता है, हम लोगों ने यूएस की भी किसी ने स्टडी करी हो या पहले जो दौर था हम लोगों के यहाँ दो जो 2008 के बाद आया था उसमें बहुत से कॉमन पहलू रहे थे। सबसे पहले सिस्टम की लीकेज की वजह से भी कुछ चीज़ें डाउन स्टेट आती हैं। कुछ लोग डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं लोन में, और लोन में डिफ़ॉल्ट जब होता है जब रिसेशन की वजह से जॉब्स की मात्रा कम होने लगती है। जैसे ही जॉब की मात्रा जहाँ पे अभी आउट ऑफ 190 पीपल्स जॉब करते हैं जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बिजनेस करते हैं, तो 90 में से वो मात्रा कम होके अगर 70% भी आ जाती है तो जो 20% है वो लोन में डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाता है। उस लोन को डिफ़ॉल्ट होने के कारण इकोनॉमी पॉजिटिव चलने के बजाय डिमांड कम हो जाती है प्रॉपर्टीज़ की। अगर लोन वाले सेगमेंट को भी एक तरफ रख के, जॉब वाले सेगमेंट को भी दूसरी तरफ रख के छोड़ दिया जाए तो भी रिसेशन में एक मेन पहलू, दूसरा पहलू ये भी होता है क्या प्रॉपर्टी जो होती है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रह जाती है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम रह जाएगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम आती जाती है। तो जब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका होता है वो, जिसमें वो प्राइस पॉइंट में, कम प्राइस पॉइंट में एंटर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। वहीं पे ही एंड यूज़र्स के लिए भी कुछ ना कुछ जो स्टेबल हैं उस टाइम पे भी, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर निकल के आता है रियल स्टेट हाउसिंग रेजिडेंशियल में। अगर कमर्शियल की बात की जाए, अगर हम लोगों ने चाहे कोविड का रिसेशन देखा हो या उससे पहले का भी देखा हो, तो कमर्शियल रियल स्टेट पे बिल्कुल ही नेगेटिव असर डालता है और डिमांड बिल्कुल नीचे गिरने की कागार पे हो जाती है इसकी। और कुछ स्पेसेस में जैसे एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कमर्शियल की तरह इक्विवेलेंट सपोर्ट नहीं करता है मार्केट को। अगर वहीं पे अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग्स इनकी बात आती है तो इनकी सेल में बहुत ज़्यादा रेडी टू मूव में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन भी जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डर उसमें भी स्लो डाउन दिखता है क्योंकि उनके पास फंडिंग पूरी नहीं जा रही होती है। सपोज़ आप लोगों ने किसी फ्लैट में किसी ग्रुप हाउसिंग में 100 फ्लैट्स हैं, साथ में ही आप लोगों ने वहाँ पे पहले बुक हुए हैं सिर्फ 30 फ्लैट, तो जो 70 फ्लैट बेचने की जंग है, अगर बिल्डर के पास टाइम से पैसा नहीं जाएगा तो टाइम से उस सोसाइटी को ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो नहीं कर पाएगा तो चीज़ें अच्छी नहीं बिकेंगी, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं देखेगा, तो इस वजह से भी बहुत से नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में आ जाते हैं। पर रिसेशन को रियल स्टेट में एक मौके की तरह भी देखा जाता है हमेशा। जो इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको मौके की तरह देखते हैं, साथ साथ में जो एंड यूज़र्स होते हैं उनकी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, जो मिड सेगमेंट का है जो ये सोचता है कि मेरे को एंड यूज़ के साथ साथ में मुझे ये चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी कुछ दे के जाएगी, उनका रेशो कम हो जाता है क्योंकि आप लोगों की जो जॉब होती है, जॉब में आप लोगों का जो हाइक हो जाता है वो कम मिलता है। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्योंकि गुड़गांव रियल स्टेट है या मुंबई रियल स्टेट है, जो भी इंडियन रियल स्टेट है, उसमें मैंने आज तक ये वीडियो नहीं की थी रिसेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। रिसेशन का इम्पैक्ट बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ साथ और भी बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।